दे रही हूँ शंभू भैया जी, बिल्कुल साधारण सा गीत है। आरगा बेटे हल्का, हम लोग टेढ़े मेढ़े खाते हैं गाते नहीं। संजय भैया ये गीत आपके सामने पहली बार आ रहा है, प्रयास कर रही हूँ। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या क्या गाया बेटा फिल्मी दुनिया वालों ने, कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। We'll be right back.
लोग यही थे, लेकिन ले कर गया है कौन शब्द ना सुनाई दे। किसी प्रकार की कोई आहट नहीं है, तो किले कर गया है कौन शब्द ना सुनाई दिए। नहीं था कोई खटका, कोई आहट नहीं, नहीं था कोई खटका, ये कौतिक है अटपटका। अरे हम यमुना नदी में निर्वस्त्र हैं और वस्त्र है नहीं, वस्त्र कहे कहाँ, सोच रहे हैं। सुने। नहीं था कोई खटका, ये कौतिक है अटपटका, तो झटका में मन ये लगा। उनको ऐसा झटका लगा हृदय में कि सूर निकलने वाले हैं, वस्त्र है नहीं, हम कैसे निकले। तो झटका में मन ये लगा, लगा काम अब शाम का। ये नटखट लीला कोई और नहीं कर सकता, ये कन्हैया ही कर सकता है। ये नटखट ही कर रहे हैं, कहा वो नंद किशोर छोटा सा कन्हैया। देखिए सखियां बात कर रही हैं, जो सबको है भरमाए, जो सबको है भरमाए, कभी माखन वो चुराए, कभी माखन वो चुराए, वो कमली वाला प्यारा सारे जग का उजियारा, वो कमली वाला प्यारा सारे ब्रज का उजियारा। तो झटका में मन किन्ना
गिरी किसन की मती पुण्य की चकराए। क्यों? क्योंकि जो पहचान कन्हैया के भवन की बताई है उधर देखा तो पाया क्या क्या बेटे कि माया की नगरी किसन की मती उनकी चकराए। नजर उनकी जहाँ जाए भवन सब एक से पाए। नजर उनकी जहाँ जाए भवन सब एक से पाए। तो सोचित ध्यान लगा कि सोचित ध्यान लगा धाम अब श्याम का। सोचित ध्यान विशेषताओं को समझते जाइए। भगवान कन्हैया को चोरी का आरोप लग गया। जब लगा दिया गया भगवान कन्हैया सोचने लगे मैंने नाना प्रकार की चोरी की है। चित्त चोर कहलाए, माखन चोर कहलाए, वस्त्र चोर कहलाए, लेकिन जो कन्हैया ने चोरी की ही नहीं उसकी चोरी लग गई। तो क्या खोजने पड़ी को स्वयं मधुसूदन है धाए। चोरी लगी है खोजने पड़ी को स्वयं मधुसूदन है धाए। जामवंत जी से वचन हरि ने सुनाए। बोल ऐसा यदुराई, बोल ऐसा यदुराई, मणि ना हमने चुराई। इस मणि की चोरी लगी है लेकिन ये मणि आपके पास है। मणि ना हमने चुराई। तो सुन लो ये कान लगा लगा नाम अब श्याम का। तो सुन लो ये कान तो हुआ चलन चलन जब मन में हुई दान में कन्हैया दिए। ईर्ष्या के कारण में कन्हैया को ही दान कर दिया। चलन जब मन में हुई
सत्यभामा मोहन की बनी है प्राण प्रिय, सत्यभामा मोहन की बनी है प्राण प्रिय, तो कहना यही तुमसे बतलाना जो वापिस चाहो माना। अब दान में दे दिया कि नहीं, अगो पश्चाताप हुआ तो इंद्र भगवान ने उपाय बताया, क्षमा की जगह नारद भगवान ने ऋषि ने उपाय बताया कि अगर कन्हैया को वापस चाहती हो तो कन्हैया के बराबर धन का दान कर दो। तो हुआ क्या बने? यही तुमसे बतलाना जो वापस चाहो पाना, यही तुमसे बतलाना जो वापस चाहो पाना, तो चरणों में मन को लगा दाम अब शाम का, ईर्ष्या को त्याग दो और भगवान कन्हैया के बराबर धन दो और भगवान कन्हैया को ले लो। तो चरणों में मन को हमारे भैया भैया श्री कुलदीप सक्सेना जी आपके करकमलों से आइए। बहुत सुंदर चक्र भी आपने सुना है सम्मान्य नीलम विश्वकर्मा जी के द्वारा, बहुत बढ़िया सवाल जवाब भी बड़ा लाजवाब है तुम्हारा। महकती डाल पर विष का असर नहीं होता, फूल को खाक में मिलने का डर नहीं होता, जिधर जाएगा उधर रोशनी ही बिखेरेगा, क्योंकि किसी चिराग का कोई भी घर नहीं होता। नीलम जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने एक पंक्ति जो लगाई, माता कोमल बेटा कोमल पिता कोमल मकान कोमल गांव वाले कोमल पड़ोसी कोमल सब कोमल है, आपो कोमल हमो कोमल कर दियो भाई। अब यो फनी के विषय में आपको अच्छी जानकारी है, फिर इतनी देर में हम समझ गए आप खोजी व्यक्ति हैं, इस तरह की चीजें फुर्सत में खोजते हो आप। आइए चलाऊं, बहुत बढ़िया नीलम जी। भैया सीटी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि सीटी वाली उम्र खत्म हो गई हम लोगों की। आइए बहुत बढ़िया नीलम जी, बहुत बढ़िया सवाल और जवाब भी लाजवाब रहा है, क्योंकि इस चक्र से समिति की ओर से समय की बंदिश हो गई है, और जब कलाकार के लिए समय की बंदिश हो जाए तो उसे तमाम फालतू बातें न करते हुए विषय पर आना चाहिए। मैं भी विषय पर चल रहा हूं, क्योंकि एक भी बात छूट जाएगी तो मजा गड़बड़ा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कीर्तन शाब्दिक आनंद है,
शब्दों की मारा मारी है। मैंने खैर उत्तर दिया है, आपने 12वां संस्कार है, मैंने बता दिया था 16 में एक संस्कार कर्ण छेदन भी है, लेकिन आपने उसको गिनती में बांधना शुरू किया, ठीक है। और चूंकि सम्मानी माननीय दादा लालचंद दीक्षित जी लिख रहे हैं आपके साथ में, और जब दादा लिख रहे हो तो वहां पर कोई चीज बोलना सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा, उन्होंने सोच के ही लिखा होगा, ठीक है। एक बात बड़ी अच्छी लगी, कोमल, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और मैं समिति से निवेदन करूंगा कि थोड़ा चाय की व्यवस्था जरूर मंच पर कर दी जाए, जब चक्र समापन हुआ करे तो दोनों कलाकारों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था आप लोग चाय की कर दिया करें, आय के भले कम किया करें, चाय की कर दिया करें। आइए चला हूं, सुनिएगा बहुत बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है नीलम जी, और बहुत काबिले तारीफ आपने गाया है। तो चाहे लाख तूफान राजा भैया, ये धुन है नीलम जी की, बहुत बढ़िया प्रयोग है काम श्याम का, धाम श्याम का, नाम श्याम का, बढ़िया प्रयोग है। लेकिन बिटिया रानी, गाना ऐसा गाओ जो लोगों की खोपड़ी में चढ़े, क्योंकि यहाँ पहली बार कीर्तन हो रहा है, इतना भारी गाना ना गाओ शंभू भैया का देख के कि इन लोग समझे ना पावे, सवेरे जब घरे जाए तो नागे फनी दिखाई पड़े इनका। आइए चल रहा हूं, सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं नीलम जी, काम श्याम का। एक घटना मुझे भी मिली, एक ग्वालन भगवान कन्हैया को अपने घर में बंद कर देती है, क्योंकि ये रोज चोरी करते हैं, एक दिन रंगे हाथों पकड़ जाते हैं, तो वो ग्वालन भैया, हाँ कम बोलो इधर बैठ, सुन लीजिए बहुत विशेष बात है, कारण ये है, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, जो कीर्तनकार आपको सुना देगा दुनिया की कोई ताकत नहीं सुना देगी, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कीर्तन की विधा वो है, जो कीर्तनकार होगा सच्चा वो कुछ न कुछ विशेष खोज कर लाएगा, जहां पर आपकी निगाह नहीं जाती वहां हम लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी एक एक पंक्ति को सुनिए, शायद आपके काम आ जाए, सुनिएगा। उसने भगवान कन्हैया को बंद कर दिया और कहा, देखो आज मैं यशोदा को कहूंगी, वो रोज कहती है मेरा कान्हा चोरी करता नहीं, लेकिन आज मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो कान्हा चोरी करता है कि नहीं करता। उसने बंद कर लिया, और जब बंद कर लिया माता यशोदा के पास गई, जब माता यशोदा के पास गई उसने शिकायत की, माता यशोदा हंसने लगी, कहने लगी कान्हा तो यहां बैठा है।
अब समस्या खड़ी हो गई नीलम जी, समस्या खड़ी हो गई, और देखिए बात आ जाए तब मानिएगा। होता क्या है, अरे दोनों तरफ से देखो, वहां भी कन्हैया और यहां भी कन्हैया, बिल्कुल बेटे बिल्कुल। तो दोनों तरफ है देखो, शब्द वो सुनाई दिए, यहां वहां देखा तो श्याम ही दिखाई दिए। और जब श्याम ही दिखाई दिए नीलम जी, तो हुआ क्या कि मनवा माया मा भटका, मनवा माया मा भटका, ओ लगा है जोर लगा कि अरे मैं तो कन्हैया को बंद कराई हूं, लेकिन कन्हैया यहां कैसे। मनवा माया मा भटका, लगा है जोर का झटका, खटका ये भारी हुआ का, खटका ये भारी हुआ हुआ काम सब श्याम का, वो जान रही कि काम सब श्याम का है, क्योंकि पकड़े तो भगवान कन्हैया की कलाई है, लेकिन हुआ क्या, पकड़ के श्याम को लाई, पर पाई पति की कलाई, पकड़ के श्याम को लाई, पाई पति की कलाई, हुआ है अचंभा भारी, हुआ है अचंभा भारी, तो खटका ये भारी हुआ हुआ काम सब श्याम का, और इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर ये बहुमूल्य 21 रुपए का इसने बड़े भाई पप्पू तिवारी जी आपकी ओर से आया है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और ये सम्मानी माननीय परम श्रद्धे आदरणीय चाचा श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी जी आपकी ओर से ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है, श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना है। क्योंकि नीलम जी आपके घर का है और हमारे फड़ का है, यानी आपके बखत का है और हमारा तखत का है, प्रयास किया है, सुनिएगा। और ये गुरुचरण वार्ड नंबर 2 प्रमुख जी आपकी ओर से ये 101 रुपए हमारे ढोलक वादक रमाकांत तुफानी जी के लिए प्रदान हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद है। एक टुकड़ा और देखिएगा नीलम जी, आपको लगेगा प्रयास हो रहा है, हुआ क्या, तो किसन के ग्वाल बाल शब, किसन के ग्वाल बाल शब प्रभु ब्रह्मा ने चुराए, हुआ क्या नीलम जी, तो किसन के ग्वाल बाल शब प्रभु ब्रह्मा ने चुराए, जय
जैसे थे वैसे हू बहू प्रभु ने बनाए, जैसे थे वैसे ही हू बहू भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को बना लिया, गायों को बना लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये वाकई ईश्वर हैं, और जब उनको जान गए आदरणीय नीलम जी हुआ क्या सुनिएगा, तो हुआ ब्रह्मा को सदमा, हुआ ब्रह्मा को सदमा, पड़े हैं हरि के पद्मा, हुआ ब्रह्मा को सदमा। ये मैं पद्मा शर्मा की बात नहीं कर रहा, पद्मा यानी चरणों में, हुआ ब्रह्मा को सदमा, पड़े हैं प्रभु के कदमा, पड़े हैं प्रभु के पद्मा, किया है करिश्मा भारी, देखो मेरे बनवारी। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, न जाने ये कैसे क्या हुआ, हुआ काम सब श्याम का। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है। जाने न कैसे क्या हुआ, हुआ पहचान गए हैं, ब्रह्मा जी मान गए हैं, प्रभु को पहचान गए हैं, नमन करते हैं ब्रह्मा, करते हैं अर्चन ब्रह्मा, तो श्रद्धा से ब्रह्मा ने लिया लिया नाम अब श्याम का। श्रद्धा से ब्रह्मा ने लिया लिया नाम अब श्याम का। बोलिए